बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आप देख रहे हैं मुकाबला। यूपी उपचुनाव के लिए आज नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया। सभी 9 सीटों पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के उम्मीदवारों के नॉमिनेशन तो कर दिए गए हैं, शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। इस बार यूपी में हो रहा उपचुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस बार डायरेक्ट फाइट बीजेपी और सपा के बीच है। बीएसपी बेदम दिख रही है तो कांग्रेस इस फाइट को दर्शक दीर्घा में बैठकर सिर्फ देख रही है, एंजॉय कर रही है। एक तरफ अखिलेश यादव एक बार फिर पीडीए के दांव भरोसे जीत का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ों को अपने साथ लाने का कैलकुलेशन पूरा कर लिया है। कहने को ये 9 सीटों का उपचुनाव है लेकिन इसकी सरगर्मी पूरे प्रदेश में महसूस हो रही है। अखिलेश यादव इसी साल हुए लोकसभा चुनाव वाला अपना रिपोर्ट कार्ड चमकाकर मजबूती से दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी भी हरियाणा चुनाव जीतने के बाद से फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। बीजेपी का यह दावा है कि विपक्ष ने जो फेक नैरेटिव के सहारे लोकसभा चुनाव में कुछ फायदा हासिल कर लिया वो अब संभव नहीं है क्योंकि हरियाणा ने उन सारे नैरेटिव्स को ध्वस्त कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अखिलेश की साइकिल पुराने स्पीड से 9 सीटों पर दम दिखा पाएगी या सीएम योगी का कैलकुलेशन चुनावी गणित को उनके फेवर में कर देगा। सवाल यह भी है कि क्या उपचुनाव के रिजल्ट से यह तय हो जाएगा कि 27 का सत्ताधीश कौन होगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले सुनिए आज के कुछ बड़े सियासी बयान। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं, याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी, आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने। आप बेहतर समझते होंगे, समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। के होने वाले उपचुनाव में सभी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ एक धोखा है और उस धोखे का जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। आज कम से कम इस उपचुनाव में जीत चाहिए। हम अपने को सौभाग्यशाली हूं कि कम से कम हमारे इस मंत्र को विपक्ष के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो अगर देश की कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो देश की बड़ी पार्टी रही कभी, आज भी विपक्ष के रूप में पार्टी के रूप में है, वो भी कह रही है कि नहीं हमें जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो सुख शांति चाहिए, फिर से निषादों का हक चाहिए, उसके लिए हम जीत के लिए आए हैं। तो आपने अलग अलग बयान सुन लिया और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। के शर्मा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी के जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए हैं और संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आप ही का रुख करूंगी भाई, क्योंकि आप लोग हवा बहुत बना रहे हैं। आपने अभी अखिलेश यादव का बयान भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ हवा बना रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, 27 में भी नहीं आने वाले। भाई अभी से 9 सीटों के उपचुनाव से 27 की भी लाइन उन्होंने तय कर ली है। प्रिया जी, 2014 से हवा कौन बना रहा था? हर बार यही अखिलेश यादव है ना, यही अखिलेश यादव 2014 से लेके अब तक 5 चुनाव हो चुके हैं, 2 विधानसभा के और 3 लोकसभा के, और हर बार ये अखिलेश यादव इसी तरह जो है दम ठोकते थे। तो होता क्या है, दोनों लोकसभा के बाद तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है और 2 टर्म लगातार योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इनकी जो हवा हवाई महल होते हैं अखिलेश यादव जी के, वो भ्रम और प्रोपोगंडा की राजनीति को उत्तर प्रदेश ने लगातार नकारा है, लगातार इनको सबक भी सिखाया है, पर बेचारे आदत से बाज है, बाजी नहीं आते बेचारे, तो उनको यही सब करना पड़ता है। तो कुछ नई बातें इधर की उधर की, नई प्रोपोगंडा लेके चालू होते हैं। वास्तविक स्थिति ये है कि उन्हें कभी आकलन करके देखना चाहिए, कम से कम उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, विधानसभा है उसके संदर्भ में। अभी अजीत जी बैठे हैं, इनसे एक बीच पूछिएगा
उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी बनी है, मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव की बात छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह जी के समय से, क्या आज तक कभी दूसरी बार अपनी सरकार रिपीट कर पाए हैं? ये काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी बार यदि योगी जी की सरकार रिपीट हुई है तो उत्तर प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से रिपीट हुई है। तो ये ऊंची ऊंची बातें करना, हवाबाजी करना, इनको मुबारक हो। और हमारा काम जमीन पर जनता का काम करना है, सेवा करना है, और उसके आधार पर जनता के से अपना आशीर्वाद प्राप्त। लेकिन के शर्मा जी, आप उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में बीजेपी का जो रिजल्ट रहा उसको तो नहीं झुठला सकते ना? प्रिया जी, पहला तो विषय यह है कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो 2024 का चुनाव है वो आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, राज्यसभा राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं है। वो चुनाव पूरे देश का होता है, 543 सीट का होता है। तो उसकी दृष्टि से आपको देखना होगा 2024 का चुनाव। विधानसभा का चुनाव 2022 में हुआ था, 2022 का चुनाव का परिणाम देख लीजिए। विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है, और दोनों चुनाव के विषय भी अलग होते हैं। तो जब विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा की दृष्टि से देखना चाहिए। और यदि विधानसभा की दृष्टि से अभी उसके बाद यदि आप देखें तो हरियाणा का चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव तो वहाँ भी बैठ के बहुत दम भर रहे थे। ठीक। वो तो बाहर बैठे थे बेचारे, मुंह की खाए, सीट भी मांगने गए थे कांग्रेस से, कांग्रेस ने उल्टे मुझे जैसे मध्य प्रदेश में लौटाया था वैसे यहाँ लौटा दिया। और लौटाने के बाद वो कहते रह गए, बाद में हारने के बाद कांग्रेस के उन्होंने, शिवपाल जी ने और अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया? यही दिया ना कि हम होते तो शायद नहीं जीते, हारते, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और थी। और वही हालत आज कांग्रेस की, कांग्रेस के भी मित्र दिख रहे हैं। तो उलट के जो है समाजवादी पार्टी ने अब इनको दिखा दिया चेहरा। तो ये इस जो गठबंधन है इनका, इस गठबंधन में भी एक दूसरे को जो है एक दूसरे की हैसियत दिखाने की बात होती है, ठीक है। इनके गठबंधन का भी चरित्र यही है, एक दूसरे को औकात दिखाइए, हैसियत दिखाइए, बताइए कि तुम यहाँ ये हो, तुम वहाँ हो। आज उत्तर प्रदेश से यदि कोई कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश की आए तो काम सपा के अखिलेश यादव ने किया, बेचारे को सीट ही नहीं दे रहे, वो लड़ेंगे कहाँ से? मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा रही हूँ, डॉक्टर अजीज खान इसका जवाब देंगे। डॉक्टर अजीज खान, देखिए बीजेपी का ये नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना था, लेकिन सहयोग तो आपने कर ही दिया, एक भी सीट आपने उपचुनाव में नहीं दी कांग्रेस को। देखिए प्रिया जी, अभी के शर्मा, मुझे लग रहा है कि देखिए किस तरह बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि देखिए अभी संजय निषाद जी गए थे और कई दिन वो दिल्ली में डेरा डाले रहे, एक सीट नहीं दिया। किस तरह फजीहत हुई पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, किस तरह कहा गया कि बीजेपी गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है, सिर्फ तानाशाही, क्योंकि इनके यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इनके तमाम सहयोगी दल है, ये तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को कितनी सीटें दी? अपने एक सहयोगी को, आरएलडी को तो एक टिकट उन्होंने उपचुनाव में दी है ना? अरे मेरी बात सुन ले जी जी। अरे भाई, उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो गए, इन्होंने अनुप्रिया पटेल जी को कितना टिकट दिया? सवाल इस बात का कि इनके जो तमाम सहयोगी दल है इनको ये सम्मान नहीं करते। ये करते क्या है कि ये तानाशाही चलाते हैं। ये वही बात हमारे इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं ये उस बात को थोपना चाहते हैं। सच ये है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक दूसरे का सम्मान करता है। जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग मिल करके एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं। यही हाल कांग्रेस का है। आप देखिए कि कांग्रेस ने अहद किया, हमारे बड़े नेताओं ने तय किया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में, इसने हर तरीके से सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज युवा परेशान है, यहां जो दलित शोषित वंचित समाज है आज वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। तो कांग्रेस ने ये फैसला किया, समाजवादी पार्टी ने फैसला किया कि बीजेपी को हर हाल में 9 के 9 सीटें हरानी है, और इसके लिए हमें अहद करना है, और वो अहद हो, क्योंकि ये जो चुनाव होने जा रहा है 9 सीटों का, यकीन मानिए जनता चुनाव लड़ने जा रही है। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, किस तरह जनता ने एक तरफा एक मुस्त समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से सीटें दी, ठीक है। ये बीजेपी उस वक्त कहीं ना कहीं इसको एहसास हो गया कि इसने जिस तरह जनता को धोखा दिया था,
जनता धोखा नहीं पसंद। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं इस पर आपसे ही जवाब लूंगी। के शर्मा जी, आप मुझे एक मिनट दीजिए कि मैं बाकी मेहमानों को भी डिबेट में शामिल करूं। एक छोटा सा रिएक्शन देता हूं, छोटा सा रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से बोलिए सर। मात्र मैं अजीज खान साहब को कहूंगा, कम से कम आप कांग्रेस की अन्य लोगों की इज्जत न करें, अपने नेता का तो सम्मान करना सीख जाइए। आपके नेता अखिलेश यादव, उनकी बातों की तो इज्जत रख लीजिए। मत अभी आपने कहा कि हमारे गठबंधन में एक दूसरे का बड़ा सम्मान होता है। मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान में ये अखिलेश यादव ने ही कहा था ना कि रात भर बैठा के रखा और सुबह ठेंगा दिखा के हटा दिया। कमलनाथ जी ने क्या कहा अखिलेश यादव को? कौन अखिलेश? अखिलेश ये चुरकुट नेता, किसने कहा किसको? ये बड़ा सम्मान दे रहे थे आप लोग आपस में। चलिए, आप अभी हमको समझा रहे कि एक दूसरे में बड़ा अपनत्व तो है। और इसी जो है महाराज, ये हरियाणा के बाद शिवपाल यादव क्यों बोले? मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहता हूँ जी साहब, आपका जो चरित्र है, मैं पुराने उदाहरण में नहीं जाता, नहीं तो 2009 का भी उदाहरण बता सकता हूँ। 2009 में मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह समर्थन का लेटर लेके सोनिया गांधी के दरवाजे पे खड़े थे और सोनिया गांधी ने मिलने से मना कर दिया। 216 सीटें थी कांग्रेस की और आपको आईना दिखा दिया, वापस भेज दिया, मिली तक नहीं। और बाहर निकल के मुलायम सिंह को कहना पड़ा कि जो है मैं बाहर से समर्थन कर रहा हूं। तो ये इज्जत है आपकी? आप हमें मत बताइए। और अभी भी अजय राय दम ठोक रहे थे इस उपचुनाव में कि 4 सीटों से कम हम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम गठबंधन नहीं करेंगे। और उसके बावजूद आपने उन्हें दिखाया। अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में आप उनको दिखा सकते हैं क्योंकि कांग्रेस अब वहां बची नहीं है, तो इसलिए आप उनको जरूर दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, के शर्मा जी, कौन किसको आईना दिखाएगा? कौन किसको आईना दिखाएगा? हमने तो अपने सहयोगियों को दिया है और इसीलिए आज जो बैठकर निषाद साहब भी वहां पर हमारे समर्थन की बात बोल रहे हैं, वो सब ठीक है। रोहित अग्रवाल जी, आपको एक टिकट मिला, आप लोग इससे खुश हैं या आपकी डिमांड इससे ज्यादा की थी? क्योंकि देखिए, आरोप तो यही लगा रहे हैं कि भाई आपको कुछ नहीं, से कुछ मिला है, बस इतना ही हुआ है। देखिए प्रिया जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अब ऑफिशियल तौर पे इंडी गठबंधन का अंत हो गया पूरे देश के अंदर। हम देख रहे हैं वायनाड के अंदर CPI चुनाव लड़ रही है प्रियंका वाड्रा के खिलाफ, तो मतलब कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अगर CPI चुनाव लड़ रही है तो वहां भी अंत हो गया। ममता बनर्जी का अलग राब बट्टा है और पंजाब के अंदर पहले ही गठबंधन का समाप्त हो चुकी थी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से तू मैं चल रही है वो साफ हो चुकी है। और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उसकी हैसियत दिखा दी, आखिरी दिन तक उसको बैठाए रखा और उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी इन वेटिंग बना दिया। और कांग्रेस वाले अगर इतना ही बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि उनके लिए सीट जीतना ही इंपॉर्टेंट है, तो भैया मर्ज कर दो समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी को। भाई फिर मतलब ही क्या रह गया पॉलिटिकल पार्टी का? आप पॉलिटिकल पार्टी हो क्यों? अगर गठबंधन के अंदर आप अपनी सीट नहीं मांग सकते हो तो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहना छोड़ दो, क्योंकि कार्यकर्ताओं का क्यों अपमान करने का काम कर रहे हो? दूसरी बात यह रही राष्ट्रीय लोकदल की, तो राष्ट्रीय लोकदल की इन 9 सीटों में से एक ही सीट थी मीरापुर, जहां पे हमारे विधायक चंदन चौहान जी सांसद बन गए थे और वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे ही जीत के आए थे। तो बट ऑब्वियस है, हमारे खाते में एक सीट ही आनी थी। कभी आपने तूतू मैमे की भाषा सुनी क्या राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में? कभी कोई डिमांड सुनी? पर अजय राय जी क्या कह रहे थे? 5 सीटें चाहिए हमें, 5 सीट के नीचे गठबंधन नहीं होगा। राहुल गांधी कश्मीर में अखिलेश यादव जी से मिलते हैं, उसमें भी तय होता है कि भाई आपको सीटें दी जाएंगी, परंतु अंत क्या होता है? अंत ये होता है कि कांग्रेस को उनकी हैसियत दिखा के समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब यहाँ पे लीपा पोती करके ये वोटों को लूटने का काम करना चाहते हैं। ये धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे लोगों को बांट के उनके वोटों को लूटने का काम करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अब जनता से ये बहुत दूर हो चुके हैं। और इस उपचुनाव के अंदर 9 की 9 सीटें NDA जीतेगा और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 9 की 9 सीटें जीतने के बाद जो ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत इन्होंने 2024 के चुनाव में क्रांति कर दी थी, जनता इनके साथ है, उस भ्रम को भी हम तोड़ने का काम करेंगे। और 2027 की रही बात, तो आप जिस तरीके से हरियाणा के अंदर सत्ता की कुर्सी का हैंडल पकड़ के बैठे हुए थे कांग्रेस वाले, उसी तरीके से 2027 में अखिलेश यादव जी भी सिर्फ हैंडल ही उनके हाथ में आना है, उसके अलावा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि सत्ता की कुर्सी तो सिर्फ जनता का जनसेवक को ही मिलेगी जो कि NDA है। आज जनता भी समझ चुकी है कि NDA के साथ ही उसका भविष्य है, देश का भविष्य, देश का विकास और देश की सीमाएं NDA से ही सुरक्षित हैं।
आज देश का युवा प्रसन्न है जब माननीय जयंत चौधरी जी स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को हुनरमंद करके उनको रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। आज देश के किसान को हम जब गन्ना किसानों को उनका भुगतान करवाते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है कि आज कम से कम हम सरकार के ऊपर ये दबाव बना के कि गन्ना किसानों का समय से भुगतान होना चाहिए, और जहां पे भी समस्या है, अगर वो शामली में समस्या है तो वहां पे हम सरकार में रहते हुए भी धरने पे बैठ जाते हैं और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि मिल मालिक उसको भुगतान करे, जैसे चौधरी चरण सिंह जी अपनी ही सरकार में मिल मालिकों के ऊपर कार्रवाई करते थे। तो आज देश का किसान भी समृद्ध हो रहा है, आज देश का युवा भी हुनरमंद हो रहा है, आज देश का व्यापारी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, और देश की सीमाएं तो हम देख ही रहे हैं कि आपके कार्यक्रम में जब मैं जुड़ने के लिए बैठा था तो किस तरीके से आपने चाइना और भारत की जो स्थिति सुधर रही है उसकी आपने न्यूज पढ़ी थी। तो आज देश का युवा, देश का व्यापारी ये चाहता है कि देश दोबारा से उन उग्रवादियों के हाथ में ना जाए जो निरंतर देश को ठीक है, लेकिन अजीज खान जी ये नहीं मानते ना, और देश को धर्म और जातियों के नाम पे देश में लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है, सिचुएशन बहुत खराब है, व्यापारी परेशान है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, तमाम आरोप हैं। मैं अजीज खान जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से संदीप त्रिपाठी जी का भी एक रिएक्शन ले लेती हूं, अगर खाली जवाब दे पाए तो उनसे चर्चा की जा सकती है। संदीप त्रिपाठी जी, ऐसा क्या हो गया कि भाई कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी है ना, उससे तो ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ तो करती, कुछ तो करिश्मा दिखाती, कि 2027 में भी यही करना कि खाली समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना है, हमें अपना अस्तित्व तो चाहिए ही नहीं उत्तर प्रदेश में। नहीं, प्रिया जी राष्ट्रीय पार्टी थे और है और रहेंगे भी, और सत्ता में भी 2027 के पहले ही केंद्र सरकार में भी आएंगे, इस बात का दावा कर रहा हूँ। लेकिन के शर्मा जी ने दो तीन बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कही, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अभी आपने डेवलपमेंट और विकास की बात की, आपने 2022 के चुनाव की बात की, साहब आपने 2022 के चुनाव के मैनिफेस्टो में बच्चियों को स्कूटी देने की बात की थी, मैनिफेस्टो पढ़िए, आप गूगल कर लीजिए, कहाँ गई स्कूटी, चोरी हो गई, कहाँ चली गई, गुजरात चली गई कि अडानी कहाँ चली गई, कहाँ गई वो स्कूटी। और आप कह रहे हैं कि हम अपने वादों की बात करते हैं, वादों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, डेवलपमेंट की, पूरे उत्तर प्रदेश में एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम चैलेंज कर रहा हूं नेशनल टीवी पर, एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बता दीजिए जिसको उत्तर प्रदेश में आपने लगाने का काम किया हो, आपकी सरकार ने घोषणा की हो और आपने उसको पूरा कर दिया हो, यहां तक कि आपने लखनऊ में अटल बिहारी यूनिवर्सिटी की घोषणा की 2017 के बाद, आपके सत्ता आने के बाद आज तक उस जमीन का अधिग्रहण तक नहीं कर पाए। आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, साहब आपने किया क्या उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में एक बिल्डिंग का नाम बता दीजिए जिसपे गर्व के साथ कह सके जिसका इसका निर्माण हमने शुरू किया, इसको हम लेके आए और आज यहाँ ये क्रियान्वित है, आज ये जनता के काम आ रही है, आप नहीं बता पाइएगा। और आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आपने सिर्फ जो है पर्यटन प्रदेश बना दिया है, कोई जो है उत्तराखंडी बाबा चला आएगा, कोई गुजराती पंडा चला आएगा, और जो है हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को हक का हक खाएगा, और कुछ नहीं कर रहे हैं आप। और रही बात, एक हमारे आरएलडी के प्रवक्ता जी ने कहा कि जयंत चौधरी जी हुनर सिखा रहे हैं, साहब बहुत बढ़िया हुनर सिखा रहे हैं, कैसे पलटी मारी जाती है, कैसे जो है देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को पहले गरियाया जाता है, उसके बाद किस तरीके से उनका महिमा मंडन किया जाता है, ये हुनर बिल्कुल सिखा रहे हैं आप। आप बात कर रहे थे अभी चौधरी चरण सिंह जी की, उनकी आप धूल मात्र भी नहीं है, उनकी धूल भी नहीं हो सकते हैं। और के शर्मा जी, एक बात और मैं कह दूं, अभी आपने गाली गलौज की बात की, ओपी राजभर याद है, ओपी राजभर ने भरे मंच से माँ बहन की गाली दी थी जो कि संसदीय, मैं उसकी निंदा करता हूँ, बिल्कुल जायज नहीं है। भले आपने जो उनके मंत्री रहते हुए आपने उनसे झाड़ू लगवाया, उनसे रास्ता साफ करवाया, सफाई करवाई, लेकिन ये गाली गलौज बिल्कुल जो है अक्षम्य है, लेकिन तब भी आपने गठबंधन किया। आज आप कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी एक छोटी पार्टी की गठबंधना में क्यों मक्त है। अब रही बात गठबंधन होने या ना होने की, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि गठबंधन परिस्थितियों के आधार पर होता है, और राजनीति में गिव और टेक का रिश्ता होता है। अगर हमने उत्तर प्रदेश में सैक्रिफाइस किया तो महाराष्ट्र में भी चुनाव है, समाजवादी पार्टी से बिल्कुल हम अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी जो है जी जान से मेहनत करेंगे, और जो यहाँ पर हमने नरमी बरती है वो वहाँ पर नरमी बरतेंगे। लेकिन आप ये कह दीजिए कि जो है ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, जल्दी से मैं एक बार अजीज खान जी का रुख कर लूं, फिर मैं आऊंगी, के शर्मा जी आपके पास भी आऊंगी, रोहन जी आपके पास भी आऊंगी, जल्दी से अजीज खान जी भाई, आरोप आप पर बहुत लग रहे हैं, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट रहा कि आप लोगों ने अभी से 27 भी तय कर लिया कि 27 के सत्ताधीश भाई अखिलेश यादव ही बन जाएंगे, आपने लखनऊ की सड़कों को एकदम पोस्टर से पाट दिया। देखिए प्रिया जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सत्यता है, और मुझे लग रहा जब सत्यता कोई चीज सत्य होता है तो वो जनता की जुबान पे आ जाता है,
आज जनता जिस तरह त्राही त्राही मान कर रही है, जिस तरह जनता आवाज उठा रही है और बीजेपी के खिलाफ है, आज मैं कह रहा हूं, दावा करता हूं प्रिया जी कि चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। मैं कह रहा हूं तमाम इनके जो विधायक है उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब 27 की बात करती है, आज चुनाव हो जाए मैं दावा करता हूं कि पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं बीजेपी का सफाया हो जाएगा। वजह साफ है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, वायदे किए, जनता से वायदा किया, पूरा एक भी नहीं किया। ये सिर्फ लंबी लंबी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें। अभी हमने सहयोगी ने पूछा कि बताइए उत्तर प्रदेश में खासतौर से लखनऊ में कोई दो चार प्रोजेक्ट का नाम बताइए जो आपने काम किया हो और काम पूरा हो गया हो। काम पूरा भी नहीं हुआ और काम शुरू भी नहीं किया, 7 साल हो गया, बताइए बताने लायक क्या है आपके पास। हमने उत्तर प्रदेश में, हमारे नेता ने माननीय अखिलेश यादव ने 5 साल के अंदर जो काम किया वो इतिहास बना दिया है। आने वाले वक्त में वो मील का पत्थर साबित हो रहा है। तमाम जितने बड़े काम थे वो सारे काम बड़े काम किए हैं। अब मैं बताना पूछना ये चाह रहा हूं कि जरा काम बताइए उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में क्या हुआ है, एक बार भी नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने काम नहीं किया लेकिन उत्तर प्रदेश को एक प्रयोगशाला जरूर बना दिया है। ये उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला है, यहां प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है और उसके बाद पूरे देश में उसे लागू किया जाता है। मैं कह रहा हूं अभी धरना प्रदर्शन की बात कह रहे थे, जरा प्रयोग क्या था, बड़े फक्र के साथ प्रयोग भी बता दीजिए। अरे वही मैं बता रहा हूं, कह रहे थे साहब मैं धरने पे बैठ जाता हूं। हमारे लोग धरने पे बैठ जाते हैं क्योंकि विधायक जब गन्ने का भुगतान, अरे यही नहीं, इनके विधायक भी धरने पे बैठ जाते हैं, बीजेपी के खुद विधायक सरेंडर करते हैं, पूरी तरह से विरोध करते हैं। आप देखिए विधानसभा के बाहर विरोध करते हैं, तमाम बीजेपी के विधायक भी विरोध करते हैं, क्योंकि ना मंत्रियों की सुनी जाती है, ना विधायकों की सुनी जाती है, अधिकारी किसी की सुनता नहीं है, अधिकारी मंत्री पर, मंत्री और विधायक परेशान है, अधिकारियों पर से इकबाल पूरी तरह से बीजेपी का खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का खत्म हो गया। के शर्मा जी, पीडीए का एक फॉर्मूला जो लेकर समाजवादी पार्टी चली, इंडी गठबंधन ने उसे अपनाया और वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं, क्या आपके पास इसकी काट आ गई है? क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी का इस बार जीतना अब नहीं हो पाएगा? नहीं, देखिए ये क्या है, एक बार ही भ्रम और प्रोपोगंडा चलता है और वो प्रोपोगंडा और भ्रम एक बार इन्होंने चलाया, कुछ लोगों को बहकाया, ये कि झूठ बोल के कि संविधान जो है बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये तमाम तरह का प्रोपोगंडा इस बार इन्होंने किया, थोड़ा बहुत चला भी, मैं मानता हूँ इसको। लेकिन अभी ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे तो अजीत साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, अखिलेश यादव ने 2012 से 17 तक इतना काम किया तो 17 में जग उत्तर प्रदेश की जनता ने क्यों हरा दिया आपको, फिर उसके बाद 2022 में भी क्यों हरा दिया? इसीलिए हराया ना, क्योंकि आप जो है केवल भ्रष्टाचार और गुंडों और मवालियों की सरकार चलाते रहे, आपके नेता जो है जो माफिया थे अतीक अहमद, उनके कुत्तों से हाथ मिलाते हैं आप, मुख्तार अंसारी जिसके ऊपर 70 से ज़्यादा केसेस थे और 10 केसों में सजा हो चुकी थी, उसके जो है घर जाके उसके कब्र पे फूल चढ़ा के कहते हो कि ये प्रतिष्ठित परिवार का प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो आपके जो चेहरा चाल चरित्र है वो उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है, वो ये भी जानती है कि किस स्तर तक का भ्रष्टाचार आपने किया, किस ढंग का आपने वहाँ जातिवादी राजनीति की, किस ढंग से आज भी आप जातियों में जहर बोने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और किस तरह से मुस्लिम तुष्टिकरण का। अभी जो है मेरे मित्र ने मुजफ्फरनगर दंगे की बात की, आपको जानकर आश्चर्य होगा प्रिया जी, आज भी उत्तर प्रदेश की जनता किसने कहा? करते नहीं, दंगा किसने कहा शर्मा जी, किसने, किसी ने चर्चा की नहीं, मतलब दंगा बिना अच्छी राजनीति कहाँ होगी? मुझे इतना बताना है कि उस समय उस दंगे में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा, इन्होंने घोषणा की कि इस दंगे के अंदर में जितने भी जो मुस्लिम हैं उनको ही हम केवल मुआवजा देंगे, केवल मुसलमानों को मुआवजा, ये स्तर था प्रिया जी तुष्टिकरण का, इसीलिए इनको बाहर निकाला वहां से। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर किया, और कांग्रेस तो अपनी बात ही ना करे, कांग्रेस ये पूछ रहे हैं, अरे मित्र 425 में 2 सीटें, राजनीतिक कांधा भी उठाने के लिए ना 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपके पास उतने भी सदस्य नहीं बचे हैं, तो आप क्या यहाँ की राजनीति की बात कर रहे हैं? और अभी आप बता रहे थे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में यदि मैं गलत नहीं हूं तो समाजवादी पार्टी ने अपने उसकी उम्मीदवार की घोषणा कर दी, तो आप क्या बता रहे हैं?
और समाजवादी पार्टी को तो राहुल गांधी तो कहते रहे कि हरियाणा में सीट दे दो, हुड्डा ने ठेंगा दिखा के बाहर कर दिया। तो आप अपने नेतृत्व की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपके तो राहुल गांधी की सुनने वाला कोई नहीं बचा है आज की डेट पे। राहुल गांधी की बात मानने को तैयार नहीं, हम आम आदमी पार्टी से जो समझौते की बात कर रहे थे हुड्डा ने किनारे लगा दिए। तो आप अपनी बात मत कीजिए, कांग्रेस तो अब कहीं कुछ है नहीं। के शर्मा जी, लेकिन पीडीए का काट आपने क्या निकाला है? आपने पीडीए का काट क्या निकाला है ये भी बता दीजिए। पीडीए में सीधी सी बात कह दूं कि ये जातिगत जो है जहर बोने का काम कर रहे हैं, और हम जनता को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और ये जितना जहर बोएंगे ये उतना जहर इनके अगेंस्ट जाएगा। हम इस तरह की सद्भावना के साथ सबको साथ लेके डेवलपमेंट का काम करके सबको लेके आगे बढ़ रहे हैं, और इसी कारण से हमारी जीत हो रही। इसीलिए हम जो है तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनाए, दो बार हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाए, हरियाणा में भी कोई नहीं सोचा था, तीसरी बार सरकार है सर हरियाणा में हमारी, तीसरी बार। सोचना पड़ेगा, मैं तो चुनौती दिया अजीत जी को, एक बार बता दे कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े कामकाजी नेता थे इनके, इतने बड़े इनका नाम था, एक बार इनके उन्होंने सरकार रिपीट की हो अपनी, एक बार जो है दूसरी बार निरंतर ये सरकार बनाया, तो हार जाते हैं आप। ठीक है, इसीलिए क्योंकि आपकी भ्रष्टाचार, आपका तुष्टिकरण, आपका वहां पर जिस ढंग से गुंडों और मवालियों की तरह आपकी वसूलियां जो होती हैं उससे वहां की जनता त्रस्त है। समाजवादी पार्टी एक माफियों को प्रश्रय देने वाली, अपराधियों को प्रश्रय देने वाली, डकैतों गुंडों को प्रश्रय देने वाली पार्टी बनकर रह गई है, इतना ही इनका काम है। आज भी जब कोई, आपने अभी देखा जब बलात्कार का कांड हुआ, ये डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। इनकी नेता कहती है कि वो लड़की रात को गई क्यों, वो लड़की रात को 15 वर्ष की लड़की रात को हमारे उनसे नेता से मिलने गई क्यों, ये इनके जो है महिला प्रवक्ता का बयान है सर। शर्म आती है ये जो सोच पर हमें कि इस तरह का आप महिलाओं का अपमान करते हैं, पीड़िताओं का अपमान करते हैं, और इसके बाद आप अपेक्षा करते हैं कि आपको जो है जनता। चलिए, महिलाओं के मुद्दे में तो कम से कम सबको सेंसिटिव रहने की जरूरत है। मैं आऊंगी अजीत खान जी, जल्दी से रोहित जी, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं रोहित जी, इनके पास कोई जवाब हो तो। ठीक है रोहित जी, मैं जवाब लूंगी इस पर। रोहित जी, ऐसा है प्रिया जी, देखिए ऐसा है, प्रिया जी देखिए ऐसा है, हमारे विपक्षी साथियों ने, दोनों ने एक बात पूछी कि लखनऊ में क्या किया साहब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार ने, क्योंकि मैं लखनऊ से आता हूं तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनकी आंखें खोलूं कि भाई साहब अगर आप आंख बंद करके और आप सोने का नाटक कर रहे हो सिर्फ, तो आपको ये देखना चाहिए कि लखनऊ में एक ऐसी बड़ी रिंग रोड दी है एनडीए सरकार ने जो उत्तर प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को लखनऊ की राजधानी से जोड़ती है, जिसको किसान पथ का नाम दिया गया है, और लखनऊ के चारों तरफ सराउंडिंग में एक रिंग रोड बनाई गई है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हो। दूसरी बात, पार्क के नाम पे एक एम्यूजमेंट पार्क बनाया गया है जो कि वर्ल्ड क्लास पार्क है, एम्यूजमेंट पार्क जो कि यूपी दर्शन के नाम से जिसका इनॉग्रेशन हो चुका है, अगर आप नहीं जा पाए हो तो कृपया करके अपने बच्चों के साथ लेके जाइए, उनको बहुत बेहतर लगेगा। तीसरी बात, वहां पे किसान बाजार बना के किसानों को और उपभोक्ताओं को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है, और बिचौलियों को खत्म करने का काम किया गया है, और किसान बाजार के अंदर आधुनिक दुकानों का भी कहीं ना कहीं वहां पे इनॉग्रेशन किया गया है। चौथा काम जो सरकारी काम है, लखनऊ एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम किया गया है, नई बिल्डिंग बना के वहां पे जिस प्रकार मुंबई और बड़े बड़े बैंगलोर के एयरपोर्ट है उस तर्ज पे लखनऊ के एयरपोर्ट को दोबारा रेनोवेशन करके और नई बिल्डिंग बना के वहां पे स्थापित किया गया है, जो शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और प्राइवेट प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो फिर यहां पे मेदांता जैसे, मैक्स जैसे हॉस्पिटलों को लेके आई है एनडीए सरकार, और लुलु मॉल जो कि भारत में सिर्फ दो मॉल हैं और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं वहां पे प्राप्त हो रही है, ये किया है। प्रिया जी मुझे मौका दे प्लीज, शायद आपको दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है रोहन जी, अजीज खान जी जल्दी से आप बोल लीजिए, फिर मैं संदीप जी आपका रुख करूंगी। अजीज जी देखिए, दो तीन चीजें हैं बड़ी अहम है, उसका जवाब देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। के शर्मा जी ने कहा 12 में हार गए, 17, 22 और दुनिया भर की पता नहीं कौन कौन सी गाथा बता रहे थे। देखिए एक बात, पता नहीं क्या हारे, यही तो आप हारे नहीं हो क्या? अरे भूल गए क्या चुनाव? अब ये सर तरीके, चारों चुनाव हार गए, इसके बाद पता नहीं यता नहीं कर रहे। अरे सुन तो ले के शर्मा जी, अरे सर आप सुलझे हुए प्रवक्ता, ऐसी बात कर रहे हैं चुनाव के लेके, ये प्रवक्ता है, इनको पता नहीं है डेट,
तब हारे हैं और कौन अरे सा वो चुनाव चुटकी हारे ले रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। केके शर्मा जी रुकिए थोड़ा, आप सुने पहले बात सुने, हल्ला ना करें जी। एक बात बता दें, ये जो हार जीत का सिलसिला है ना, मैं एक बात बता दूं, आप 17 में जीत गए, 22 में जीत गए, पहले बात आप ये घमंड ठीक नहीं। पहली बात, जनता कब किसको दांव दे दे, कब किसको सबक सिखा दे, ये आप दम ठोक रहे हो बैठ के यहाँ पे, तब काले अहंकार में उड़ रहे हो कि हम ये कर दे। के शर्मा जी बोल लेने दीजिए सर, अरे भाई बीच में कोई नहीं बोला, नहीं प्रिया जी नहीं बोलिए, बोलिए जी इसका जी बोलिए। दूसरी बात, अब ये जातीय की बात करते, देखिए कि हिंदू मुसलमान अगर ये नहीं करेंगे तो इनका पेट नहीं भरेगा। मैं आपको बता दूं, ये कह रहे जातियों में बांटते हो, अरे क्या भाई, जो दलित वंचित शोषित समाज है, पीडीए समाज कौन कर रहा है, पीडीए पीडीए चिल्ला के जाति और धर्म के नाम पे देश को कौन बांटने का काम कर रहा है, पीडीए पीडीए चिल्ला के। नहीं, आप खुद पीडीए पीडीए चिल्लाओगे और दूसरे के ऊपर आप लिपापोती कर दोगे, ये कौन सी बात हुई अजीत साहब? रोहित जी रुकिए, अजीत साहब कोई किसी के बीच में ना बोले, जाति के नाम पे धर्म के नाम पे आप बांटने का काम कर रहे हो ना पीडीए करके। ठीक है रोहित जी बोलने दीजिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा है, प्लीज अजीज खान जी बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। पीडीए करके आप जनता को गुमराह कर रहे हो, रोहित जी जाति का आरोप और धर्म का आरोप उनको भी मौका दीजिए, अपनी बात गलत बात है ना, आप जवाब दीजिएगा ना, मैं आपसे जवाब दूंगी ना अजीज जी, नोट करके जवाब दे आप। क्या जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए? पहले तो आपके नेता बड़ा हल्ला करते थे जयंत जी, जातीय जनगणना बहुत जरूरी है और समाज सभी समाज को हक मिले, कहां हक दिला रहे हैं आप? अब आप तो उल्टा लड़ रहे हैं, साहब कह रहे होना नहीं, आप जातीय जनगणना के खिलाफ है, पक्ष में आप क्यों नहीं, आप क्या 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 स्टेटमेंट है आपका? नहीं, क्योंकि आपके खाने के दांत और दिखाने के, और क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि दलितों के साथ न्याय हो, पिछड़ों के साथ न्याय हो, किसानों के साथ न्याय हो। नहीं, दूसरी बात, आपने कहा किसान बाजार बनाया, जरा बताइए कौन सा किसान बाजार बनाया? किसान बाजार जो बनाया था हमने समाजवादी पार्टी ने, माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने, उसमें तो आप स्टाल लगवा रहे हो, वो तो आपने दुकानों को बेच दिया भैया, अलग अलग छोटे छोटे, सुनिए आपको पता ही नहीं, आप गए नहीं है वहां, किसान किसान बाजार नहीं बचा है, वहां किसान नहीं जाता है, वहां छोटे छोटे चाय के स्टाल लग गए हैं, छोटे छोटे स्टाल लग गए हैं, आपको पता होना चाहिए, मुझे लग रहा है अंदाजा कम है आपको। मेदांता आपने कब से बना दिया, जरा बताइए ना, मेदांता कब से बना दिया? समाजवादी पार्टी ने बनाया, लूलू माल समाजवादी अरे पार्टी तो आपने बनाया है, अरे मैंने बोला प्राइवेट प्लेयर्स लेके आए मेदांता को, अरे भाई आपने बनाया क्या मेदांता? अरे क्या गजब कर रहे हो अजीत साहब, अजीत साहब गलत बात है, लूलू मॉल भी आपने बनाया है क्या? अरे गजब कर रहे हो भाई, आप तो कह ढा रहे हो भाई, अजीत साहब आप तो कह ढा रहे हो, अरे भाई सब कुछ आप ही को पता है, अरे खुला सफेद झूठ बोलोगे क्या? रोहित रोहित जी सुन लीजिए, आपके पास जल्दी से, अब 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा भाई। प्रिया जी आज मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरे टर्म पे ये लोग डिस्टर्ब किए मुझे, ये तरीका थोड़ी होता है। अरे आपको पूरा मौका मिल रहा है सर, मैं पूरा समय दे रही हूँ, बोलिए ना भाई। सवाल यह है कि आप हमने कहा कि आप काम बताइए, इन्होंने कहा किसान बाजार, कौन सा किसान बाजार बना दिया इन्होंने? दूसरी बात, हमारे नेता ने, हमारे हमारी पार्टी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में काम किया है, जिस तरह लखनऊ में काम किया हो, चाहे डायल 100 हो, इन्होंने क्या किया? हाँ काम किया है, 112 नंबर बदल दिया है, यानी नंबर बदल दिया। तो फिर 2022 में क्या हुआ था अजीज जी, 2022 में जनता को क्यों नहीं दिखाई ये सारा काम? सुनिए ना, अरे भाई जीत हार तो ये प्रक्रिया है, नेचुरल फेनोमेना है, कभी ये जीतेंगे कभी हम जीतेंगे, ये जीत और हार का ये मतलब नहीं होता है कि हमेशा जनता इन्हीं के साथ रहेगी। मुगल भी आए थे, 800 साल हुकूमत किए चले गए, अता पता नहीं है, अंग्रेज 200 साल के बाद एक आदमी ढूंढने पे नहीं मिल रहा। जनता को क्या चाहिए? जनता को सुविधाएं चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए, जनता को काम चाहिए। अगर कोई पार्टी काम कर रही है, सुरक्षा दे रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो उसको कोई नया नहीं चाहिए, फिर उसको वही पुरानी सरकार चाहिए होती है। चलिए आप बने रहिए संदीप जी, जल्दी से आप भी एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं के शर्मा जी आपके पास भी आऊंगी। संदीप जी जल्दी से। प्रिया जी एक लाइन में नहीं, इसलिए कि कई बहुत सारे सवाल उठे हैं और मैं सिर्फ दो तीन चीजों का जवाब दे सकता हूं। हमारे आरएलडी के प्रवक्ता ने चीनी मिल के चीनी जो है गन्ने के दाम देने की बात की, साहब वो चीनी मिले किसने लगवाई थी? जो 169 चीनी मिली थी, कभी सोचिएगा आप, तो आपकी ना एनडी गठबंधन की एक भी चीनी मिल बनवाई हुई नहीं, वो हमारी बनवाई हुई थी, सबने बेचा। सुनिए ना,
नहीं उसकी सुन लीजिए, सीमा भी कम करने का हमने काम कहा चौधरी एनडी अजीत सिंह ने गठबंधन, किया था। हमने कहा अरे एनडी महाराज गठबंधन। मतलब क्या क्या सुनिए सुन ना, लें, आपका झूठ कहां तक सुने? अब सुनिए अरे मैं बताता मजबूर कर हूँ, देते हैं अब आप सुनिए बीच में ना। बोलने के लिए, कितना झूठ अब सुने ठीक है, आपका रोहित भाई। जी, रोहित एक आदमी रोहित कह जी, रहा है कि साहब मेदांता नहीं आप उन्होंने देखिए आप बनवाया किसान है, की बात आ रही, एयरपोर्ट नया किसान की उन्होंने बात नहीं बनवाया क्या, है, किसान रिंग किसान रोड की उन्होंने बात, बनवाई आप है, लोग किसान आप के कह नाम रहे हो पे रखी चीनी दुकान मिल चला किसने लिए, लगवाई किसान दी है, की सोच बात किसान लीजिएगा। अरे चौधरी पंडित अजीत जी सिंह ने लगवाई थी चीनी मिले, अरे उनकी सीमाओं को कम करने का काम चौधरी अजीत सिंह ने किया था। अरे भैया मतलब कितना झूठ बोलोगे, अरे जनता को कब तक जाति के नाम पे धर्म के नाम पे बांटोगे? समय दीजिए, अपनी कुर्सी ले रोहित जी, समय दीजिए रोहित जी, समय दीजिए, आप गिनाइएगा, आप एक एक, एक एक बात का जवाब दीजिएगा, आप गिनाइएगा। सारा समय तो उन्होंने ही लिया है, हमने बोला ही कब है? नहीं लिया। अरे अरे दो विधायक की पार्टी उत्तर प्रदेश में सारा समय आप इनको दे रही है, नहीं नहीं मैं आपको, दो विधायक की पार्टी इनके सहयोगी भी इनको तो समय नहीं देते, आप तो सारा समय डिबेट में भी इनको दिलवा रही हैं, अरे इनको तो इनके सहयोगी समय नहीं देते। अरे हम क्या समय दे, ऐसे में समय की हम बर्बादी ही कर रहे हैं, समय दे रोहित जी, ऐसे में हम समय की बर्बादी कर रहे हैं, बस 30-30 सेकंड जल्दी से। मात्र मैं 4 पॉइंटों पे जवाब दूं। मैडम इनको समय दे के ही आपने समय की बर्बादी कर दी। हाँ ठीक अरे है, इनको ये जनता के रोहित जी रुकिए ना जरा, उनको भी बात रखने का मौका दीजिए प्लीज। ठीक है हो गया तुष्टीकरण। भारतीय जनता पार्टी जब पसपांदा सम्मेलन करती है इसी उत्तर प्रदेश में तो तुष्टीकरण नहीं। अमित शाह जी जम्मू कश्मीर में जाते हैं दो सिलेंडर देने की बात ईद और मुहर्रम में कहते हैं, वो तुष्टीकरण नहीं है, वो रासलीला है कृष्ण जी वाली। लेकिन अगर अगर दूसरी पार्टी कर दे तो तुष्टीकरण है। बड़ी अच्छी बात है इन्होंने कही। रही बात अभी एक बात आई कि जो है अगर अखिलेश जी ने काम किया तो चुनाव क्यों हारे, तो साहब अटल जी को अच्छा नेता मानते हैं ना, बहुत काम किए थे, हमारे बगल से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना गई, बहुत बड़ी रोड बनाई, चुनाव हार गए। आप कहिए अटल जी खराब थे, मानिए आप अटल जी खराब थे, कल्याण जी चुनाव हार गए जो है उसके बाद दूसरे टर्म में कहिए खराब थे। मैं 2022 की बात कर रही हूँ, 2022 में रही नहीं, मैं 2022 के चुनाव की बात कर रही थी संदीप जी, बहुत दूर तक जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का कृत्य एक बार और बता देता हूँ। चलिए जी ठीक है, हमारे बहुत लास्ट एक 10 सेकंड की बात है, जल्दी से बताइए। हमारे यहाँ एक बहन प्रेग्नेंट हुई और प्रेग्नेंट के बाद उसकी शादी हुई थी जो उसका पति था, उसके बाद उसकी दूसरी शादी हो गई, तो जो बच्चा हुआ तो दूसरा पापा बना, पति बना, उस बच्चे पर क्लेम करने लगा कि ये जो है हम इसके पापा हैं। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम हमारा, प्लीज महिलाओं के मुद्दे पे बहुत सोच समझ कर बोला करिए संदीप जी। मैं फिर से गुजारिश कर रही हूँ, मैंने प्रिया जी मैंने पहला शब्द एग्जाम्पल भी वो रखिए जो उचित लगे। मैंने अपनी बहन की बात की, मैंने ये कहा कि एक एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि जिस तरीके से बहुत सारे ये वाक्य होते हैं भारतीय जनता जल्दी पार्टी से के शर्मा जी, के शर्मा जी तीस, अब देखिए मेरे पास समय कम है, 30-30 सेकंड में सर, 30 सेकंड में के शर्मा जी अपना परिवार बताइए, रोहित जी को भी मुझे 30 सेकंड देना। कांग्रेस के प्रवक्ता जो बने हैं उनके मानसिकता से आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के प्रति उनका कितना सम्मान है। लेकिन मैं केवल इतना ही केवल एक शब्द में कहना चाहता हूँ इनको कि आप अपनी करतूत इससे समझ लीजिए, 40 साल से आप उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है, 40 साल से उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बाहर कर रखा है नोएडा से बाहर, तो ये आपकी हैसियत है उत्तर प्रदेश में। और मैं बहुत माफी के साथ अब इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करूंगी क्योंकि मेरे पास समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन ये 9 सीटें तय कर देगी किसमें कितना है दम और 2027 की चाबी जनता किसे सौंपेगी, 9 सीटों से तय हो जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।